तो यहाँ पर मैंने इसके बेस एडिटर्स में पानी डाल दिया है, चेक करते हैं बेस इफेक्ट्स कितने बढ़िया मिलने वाले इसके थ्रू। तो यहाँ पर क्रॉसबीट्स ने जो साउंड बार का लेंथ है वो काफ़ी सही दिया गया है, बिल्कुल आप इसको आराम से बैग में कहीं कैरी कर सकते हो, दोस्तों के साथ ट्रिप्स करते हो, आउटिंग करते हो, घूमने फिरने के शौकीन हो, बाहर अगर आप साउंड बार को ले जाना चाहते हो, म्यूजिक इन्जॉय करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो बढ़िया तरीके से, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं लग रही है भाई। तो यहाँ पर क्रॉसबीट्स ब्रांड ने लॉन्च कर दी है अपने बिल्कुल पोर्टेबल साउंड बार 2000 रुपए के अंडर, दैट इज क्रॉसबीट्स ब्लेज B24 साउंड बार। इसका प्राइस है अप्रॉक्सिमेटली 1800 रुपीज़। और वैसे भी अगर आप क्रॉसबीट्स के ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ भी परचेज करते हैं, जो भी आपको पसंद आए, चेकआउट के टाइम पे मिस्टर लेजी टेक हमारा कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको लगेगा इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर जो साउंड बार का लुक एंड फील दिया गया, बिल्कुल आपको यहाँ पे स्लीक डिजाइन का, प्रीमियम डिजाइन का आप बोल सकते हैं साउंड बार मिलने वाला है, कॉम्पैक्ट तरीके से, पोर्टेबल तरीके से कभी भी कैरी कर सकते हैं, उसको लेकर मुझे कोई इशू नहीं लगा। और साथ ही में इसमें आपको बिल्ट इन दो बेस रेडिएटर्स मिलने वाले हैं, हम आगे साउंड टेस्ट करेंगे, RGB लाइट्स का ऑप्शन मिलेगा और साथ ही में मल्टीपल आपको कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलने वाले हैं। आउटपुट को लेकर मैं काफी इंप्रेस हुआ हूँ, सब आपको डिटेलिंग बताऊंगा बॉक्स के अंदर, कॉन्टेंट, इसकी बिल्ड कैसी है, साउंड टेस्ट करेंगे, ताकि एंड तक पहुंचते पहुंचते सब देखने के बाद आप डिसाइड कर पाए कि ये कितना वर्दी प्रोडक्ट है। So hope you like this one, and if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So let's get started. तो करते हैं शुरुआत अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको क्रॉसबीट्स ब्लेज B24 साउंड बार का ऐसे बिल्कुल आपको बढ़िया बॉक्स मिलने वाला है, पैकेजिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और बैक साइड में देख सकते हैं प्राइस मेंशन है 4000 रुपीज़ के आसपास, बट इसका प्राइसिंग 1800 रुपीज़ है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे फीचर्स मेंशन है, इसमें आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिल जाएगा, SD कार्ड कनेक्टिविटी का ऑप्शन, इसमें आपको RGB लाइट्स का ऑप्शन, FM मोड दिया गया है, USB कनेक्टिविटी का ऑप्शन, और साथ ही में 43mm का आपको डुअल ड्राइवर्स मिलने वाले हैं, और इसमें आपको 24 वॉट्स का आउटपुट मिलने वाला है। हम आगे साउंड टेस्ट करेंगे, और सबसे पहले हम करते हैं इसको अनबॉक्स। तो आप देख सकते हैं पैकेजिंग काफी इंप्रेसिव दी गई है, एक एक चीज प्रॉपर तरीके से पैक की गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको अंदर मिलने वाला है हेलो नमस्ते का एक ग्रीटिंग कार्ड, इसके बैक साइड में आपको यहाँ पे एडिशनल वारंटी भी मिलने वाली है, गाना का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, इसको आप क्लेम कर सकते हैं, और एक यूजर मैनुअल डाउनलोड करने के लिए QR कोड दिया गया है, बढ़िया इनिशिएटिव पेपर वर्क बचाने का। इसको आप जैसे स्कैन करेंगे प्रॉपर आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल मिल जाएगी, क्या क्या इसके ऑप्शन है, कनेक्टिविटी कैसी होती है, क्या क्या इसके फीचर्स है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एडिकेट लेंथ की आपको टाइप सी की चार्जिंग केबल मिलेगी टू चार्ज योर स्पीकर, और यहाँ पर आपको ऑक्स इनपुट भी मिल जाएगा, ऑक्स केबल मिलने वाली है, इसके थ्रू भी आप प्लग इन प्ले करके यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर हम मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द साउंड बार यू विल बी गेटिंग, बिल्कुल यहाँ पे आपको पोर्टेबल सा साउंड बार मिलने वाला है, काफी इसका जो लेंथ दिया गया है एडिकेट लेंथ का साउंड बार दिया गया है, इसके वेट को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, काफी लाइट वेट साउंड बार लग रहा है ये। और आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको यहाँ पे मेटालिक ग्रिल्स मिल जाएंगी, और क्रॉसबीट्स की ब्रांडिंग मिलने वाली है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलने वाला है फ्रंट में ही। जो पूरा बिल्ड दिया गया है काफी प्रीमियम बिल्ड आपको मिलने वाली है, स्लीक डिजाइन का आपको साउंड बार मिल जाएगा, मटेरियल काफी यहाँ पे सही यूज किया गया, बिल्कुल स्मूथनेस लग रही है मटेरियल को लेके, जो प्लास्टिक क्वालिटी है उसको लेके मुझे कोई इशू नहीं लग रहा है यहाँ पे। और ऊपर आपको सारे के सारे मल्टीफंक्शन बटन्स मिलने वाले हैं, और बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है सारे के सारे पोर्ट्स, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं साउंड बार को, ऑक्स का इनपुट मिल जाएगा, USB का इनपुट मिलने वाला है, SD कार्ड का स्लॉट दिया गया, इससे भी आप प्लग इन प्ले कर सकते हैं, टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा चार्जिंग पर्पस के लिए, मल्टीपल यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी ऑप्शन दी गई है बैक साइड में ही, बट यहाँ पे कवरिंग नहीं दी गई, मेरे हिसाब से कवर यहाँ पे यूज करना चाहिए ताकि बिल्कुल सेफ रहे पोर्ट्स। इसको जैसे आप यहां से ऑन करेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं यहां पे आपको लाइट्स का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, दो बेस रेडिएटर्स दिए गए हैं, इसके अंदर लाइट्स जलती हैं RGB लाइट्स, ये काफी इंप्रेसिव लुक एंड फील प्रोवाइड कर रही हैं। इसको आप यहां पे चेंज भी कर सकते हैं लाइट्स को, जो M वाला बटन दिया गया है इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं जो मोड्स है अलग अलग स्विच होते रहते हैं, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो लाइट्स का कॉम्बिनेशन है स्विच होता रहेगा, मल्टीपल आपको कलर कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं, अपने हिसाब से आप सेट भी कर सकते हैं, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको लाइट्स का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, आपको थोड़ी बहुत बैटरी बचानी है, लाइट्स को ऑफ करने का ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ पे। और इसकी एक और प्लस पॉइंट ये है, इसमें आपको TWS पेयरिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, दो ऐसे आप साउंड बार को आपस में कनेक्ट करके पार्टी मोड में भी प्ले कर सकते हैं। और जो बटन्स दिए गए हैं ऊपर, इनकी अगर हम फंक्शनलिटी की बात करेंगे, जो प्ले पॉज का बटन है इसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे म्यूजिक पॉज होगा, इससे आप आंसर और रिजेक्ट कॉल कर सकते हैं। प्लस माइनस का बटन दिया गया, प्लस को आप यहाँ पे सिंगल प्रेस करेंगे नेक्स्ट चेक पे जाएगा, माइनस को सिंगल प्रेस करेंगे प्रीवियस चेक पे जाएगा, प्लस को ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी, माइनस को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होती जाएगी। और जो M मोड दिया गया है, M बटन दिया गया है, सो अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो जो मोड है इसमें, जो FM मोड है, ब्लूटूथ मोड है, ऑक्स मोड है, मल्टीपल मोड्स में स्विच होता रहेगा, सिंगल प्रेस करके आप मोड स्विच कर सकते हैं, बटन सही तरीके से वर्क करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया M वाले बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो लाइट्स का कॉम्बिनेशन RGB लाइट्स का स्विच होता रहेगा अपने हिसाब से, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं लॉन्ग प्रेस करके। और अगर हम इसकी बैटरी लाइफ की बात करेंगे, 1200mAh की बैटरी दी गई है इसमें आपको बिल्ट इन, अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 70-80% वॉल्यूम पे सुनते तो आपको लगभग 7-8 hours का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, एडिकेट यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ मिलने वाली है। और इसमें आपको IPX4 वाटर रेसिस्टेंट फीचर भी दिया गया है, बाय चांस अगर आप आउटिंग करते हैं इसको आप आराम से वैसे
बैग में कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। कहीं पर भी ट्रैवलिंग करते हैं अगर आप बिल्कुल झरने के पास या पानी के पास भी हैं, पानी के स्प्लैशेस भी लगते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सही तरीके से ये वाटर रेजिस्टेंट इसका वर्क करता है। और इसमें आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन भी मिलने वाला है, तो कॉलिंग पर्पस के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाय चांस अगर आपको फोन अटेंड करना है साउंड बार के थ्रू, किसी का कॉल आ जाए इससे भी आप बातचीत कर सकते हैं, उसको सुन पाएंगे स्पीकर के थ्रू। और अगर हम बात करेंगे इसके आउटपुट को लेकर, इसमें आपको 24 वॉट्स का आउटपुट दिया गया है। अब हम करते हैं एक साउंड टेस्ट ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए आउटपुट कैसा है इसके थ्रू। आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा इसका आउटपुट कैसे मिलने वाला है। आउटपुट काफी इंप्रेसिव दिया गया है। फुल वॉल्यूम पे आप डेफिनेटली मेरे हिसाब से अवॉइड करिएगा सुनना, क्योंकि लाउडनेस काफी अच्छी दी गई आप बोल सकते हैं। और फुल वॉल्यूम पे मुझे लगा जो क्लैरिटी है हल्की फुल्की कहीं ना कहीं टकमाई लग रही थी। मैंने 70% वॉल्यूम पे सुनकर आपको जो साउंड टेस्ट दिखाया था, और 70% वॉल्यूम पे सुनेंगे आपको काफी इंप्रेसिव एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बढ़िया क्लैरिटी मिल जाएगी वोकल्स को लेकर, प्रॉपर आपको ट्रेबल्स मिलने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाला है। और बेस इसमें काफी सही दिया गया है, आपने देख लिया जो बेस वेटर्स दिए गए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से धमाधम उछक रहे थे। बढ़िया आपको बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, काफी पंचनेस मिल जाएगी बेस पार्ट को लेके, उसको लेके मुझे कोई इशू नहीं लगा। और जो लाइट्स का कॉम्बिनेशन है काफी इंप्रेसिव दिया गया है। बिल्ड भी काफी आपको सही मिलने वाली प्राइस पॉइंट के हिसाब से। आउटपुट इसमें आपको इंप्रेसिव मिलने वाला है मेनली अगर आप मीडियम साइज रूम या मीडियम साइज हॉल के लिए। अगर आपको एक छोटा सा स्लीक डिजाइन का साउंड बार चाहिए, इसको आप उस पर्पस के लिए ग्रैब कर सकते हैं। पोर्टेबल भी है, कहीं भी कैरी करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल ये जस्टिफाई करता है। अगर आपको 2000 रुपीज के अंडर एक बढ़िया सा साउंड बार चाहिए जिसमें आपको मल्टीपल कनेक्टिविटीज ऑप्शन मिल जाए और आउटपुट भी काफी इंप्रेसिव मिल जाए, पोर्टेबल तरीके से कहीं भी कैरी कर पाए, आरजीबी लाइट्स का ऑप्शन जो दिया गया बिल्कुल सही तरीके से वर्क करता है, इसको आप डेफिनेटली ऑप्शन में रख सकते हैं अगर आपको इसकी नीड है तो। और अगर हम बात करेंगे रेटिंग्स की, साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी को मैं करूंगा रेटिंग्स आउट ऑफ 10, तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 और मैं बेस क्वालिटी को दूंगा 9 आउट ऑफ 10। दिस आर द रेटिंग्स ऑन टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द साउंड बार अप्रॉक्सिमेटली 1800 रुपीज। मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप चेकआउट करके इसको ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यू साउंड टेस्ट एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च क्रॉसबीट्स ब्लेस B24 साउंड बार। Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.